हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे पैन इंडिया सुपरस्टार प्रवास की मच अवेटेड फिल्म राधेश्याम की। तो दोस्तों, कल राधेश्याम का फर्स्ट सिंगल ये रातवाले रिलीज हो चुका है और हमने उस सॉन्ग का रिव्यू भी कर दिया है। अगर देखना चाहते हो तो आई बटन पर जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करें ये रातवाले जो सॉन्ग है 12 घंटे के अंदर कितने व्यूज लाइक्स क्या हासिल किए उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद जो 24 आवर्स के बाद हम देखेंगे कि इसका व्यू लाइक टोटल है उसके बारे में भी डिटेल में तभी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी 12 आवर्स के बाद कितना हुआ है और 16 आवर्स के बाद कितना हुआ है वो अभी बात करेंगे। और हमने वहां पे बताया था कि कुछ ब्रेकडाउन ऐसा कुछ होता है तो मैं जरूर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बनाया। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो वीडियो कैसे बनाए, तो इसीलिए वीडियो नहीं। तो अभी नजर डालते हैं 12 आवर्स के बाद जो है ये सॉन्ग कितना लाइक्स डिसलाइक्स व्यू कमेंट्स क्या हासिल किया उसके बारे में थोड़ा नजर डालते हैं। तो यहाँ पे बात करें लाइक की तो 3,87,000 लाइक्स मिले और डिसलाइक की बात करें तो 9,100 लाइक जो है यहाँ पे डिसलाइक यहाँ पे मिले। और जो कमेंट्स थे 12 आवर्स के बाद वो थे 28,000 प्लस। भाई 28,000 प्लस 12 आवर्स के बाद बहुत बड़ा नंबर होता है। तो भाई इस सॉन्ग का जो गाड़ी है भाई बहुत ही बेहतरीन लेवल पे यहाँ पे चल। तो अभी बात करते हैं 16 आवर्स के अंदर इस सॉन्ग ने कितने रिकॉर्ड जो यहाँ पे ब्रेक किए हैं। व्यूज की बात करें तो 5 मिलियन व्यूज यहाँ पे हो चुके हैं। लाइक की बात करें तो 4,28,000 लाइक यहाँ पे मिल चुके हैं और डिसलाइक है 12,000। और 12 आवर्स के बाद कमेंट था 24,000 प्लस, अभी यहाँ पे देखने को मिला 31, मतलब 16 आवर्स के बाद जो कमेंट है वो था 31 प्लस। भाई बहुत ज्यादा बढ़िया कमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर इस सॉन्ग को रिलीज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जहाँ पे रिलीज होना था 5 बजे वहीं पे रिलीज होता ना, तो इससे भी ज्यादा व्यूज लाइक्स आपको देखने को मिलते, इससे भी ज्यादा जो है रिकॉर्ड्स ये बना। फिर भी ये सॉन्ग जिस गति से चल रहा है अगर ऐसे ही चलता है तो RR और पुष्पा के जो रिकॉर्ड्स है वो टूटने वाले। RRR का जो नाचो नाचो सॉन्ग आया था फैबुलस जो है उसने व्यू यहाँ पे हासिल किया था 10.5 मिलियन व्यूज उसने हासिल किया था 24 आवर्स के। और पुष्पा का जो थर्ड सॉन्ग था सामी सामी उसने जो है 10.2 मिलियन जो व्यूज हासिल किए थे वो भी 24 आवर्स के बाद। तो अभी राधेश्याम का टारगेट है सामी सामी सॉन्ग और नाटो नाटो जो सॉन्ग है इन दोनों को जो है ब्रेक करे और ये जो है सबसे पहला जो सॉन्ग बन जाए 24 आवर्स के बाद सबसे ज्यादा व्यूज हासिल करने वाला सॉन्ग बन जाए। और अभी ये सॉन्ग जिस लेवल पे चल रहा है देख के लग रहा है दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे टूटने वाले हैं, ये नया रिकॉर्ड दर्ज करने वाला है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया था इस सॉन्ग का जो हिंदी वर्षन है उसको लेके कब आएगा कब। हिंदी वर्षन को लेके अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो अपडेट निकल कर आ रहा है उस हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से लीक्स के हिसाब से अगले हफ्ते शायद से इसका कोई अनाउंसमेंट आप सब लोगों को सुनने को मिलने वाला है और इसका अनाउंसमेंट भी आपको सुनने को मिल सकता है। जब भी कोई हिंदी वर्षन के रिलेटेड न्यूज आते हैं अपडेट आते हैं मैं जरूर से आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और इस सॉन्ग का बहुत ज्यादा तारीफ किया जा रहा है, सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, इसका जो लिरिक्स है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन आई डोंट नो लिरिक्स मुझे तो समझ में नहीं आया। लेकिन जितने बार भी मैंने ये सॉन्ग सुना मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छा जरूर। और 24 आवर्स के अंदर ये सॉन्ग क्या नया रिकॉर्ड ब्रेक करता है, क्या नया व्यू लाइक क्या करता है, मैं जरूर से आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।